हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सर बर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 31 करने आने आइए देखते हैं। सलीबियों की तारीखी इख्तिताम को पहुंची। कमांडर वेसिलियस, जीत आपकी होगी। मैंने बिना किसी मुदाखलत के दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर दिया। यानी अर्तुरुल ने हमारे लिए सलीबियों का खात्मा किया और अब वो ही हमें तुर्कों से निजात दिलाएगा। आपकी वजह से ही हम सबको मरता हुआ देखेंगे। हकीकी जंग तो अब शुरू हुई है मैट्रस। अर्तुरुल अब गिर गिराता हुआ मेरे पास आएगा। बाजार की तरफ एक कासिद भेजा है कारजार और हांडी बाजार के दरमियान तिजारत के खात्मे का उसे बताने के लिए। अर्तुरुल बाजार को बचाने के लिए आपके पास आएगा। बिल्कुल, उसके लिए मैंने जाल तैयार किया है। इस सरजमीन पर हमला करने वाले वहशी तुर्क और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुरुल को मौत की नींद सुनाने के लिए दौड़ते हुए आएंगे, तुम देखना। जमींदार ने पैगाम भिजवाया किला और बाजार के दरमियान होने वाली तिजारत को बंद कर दिया है उन्होंने। ये खबर अच्छी नहीं है, बहुत खसारा होगा इससे सब लोगों को। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। हमें आप पर भरोसा है अर्तुरुल सरदार, एक बार फिर आपने हमारे दिल जीत लिए। निशान बना हुआ है, अब वक्त आ गया है कि उसके सरदार को भी लगाम डाली जाए। जान लेंगे जो शख्स तबाह कर रहा है हमारा अम, वो हमारे दरमियान ही है। और तुरुल सरदार कौन है वो? तुरुल साहब, साफ लगता है कि आप अपनी बातों से ताजिरों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आतु भाई के पास कारा जसार से खबर पहुंच चुकी है, पहले वो सुन लीजिए। इस खबर को सुनने के बाद आप ताजिरों को कब तक ईमानदारी की तलकीन करेंगे? फौरी तौर पर जमींदार ने हांडी बाजार से तमाम तिजारत रोक दी है भाई।
दुरुल साहब, अब आप क्या कहेंगे? लुटेरों से निपटेंगे और हमारे कर्जे कैसे अदा होंगे? और दुरुल साहब, जब तक आप इस बाजार के हाकिम रहेंगे, हम पर जमीन तंग कर दी जाएगी। जानती भी है कि आपके शोहर क्या कर बैठे हैं हलीमा खातून? अर्थुरुल साहब ने हमारा सरिया माश भी छीन लिया है। सरदार अर्थुरुल का नाम जुबान पर लाने से पहले सोच लिया करें चोलपान खातून। अर्थुरुल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए खातून, इंशाल्लाह हमें इस हाल पर पहुंचाने वाला जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा और खुशियां मनाएंगे उसके इबरतनाक अंजाम पर। लोग ये क्या कह रही है खातून? हलीमा, हाथ नीचे रखो ना, नहीं तो। हलीमा असलहान, खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले कैसे? हलीमा बस करो, तुम्हें अपने इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हलीमा, आखिर क्या हुआ है? अर्थुरुल साहब के खिलाफ चलने वाली जुबान और उन पर उठने वाली बुरी नजर को झुकाना आता है मुझे। अपनी हद में रहे सब लोग, हर कोई उसकी लाई मुसीबत का शिकार होगा। अगर तुमने अपनी जुबान से एक और लफ्ज निकाला तो अपने वजूद पे पछताओगी, समझ गई आप? चले, अब जाइए, जाइए यहाँ से, काम करें आप सब भी, काम करें अपना। अर्थुरुल की वजह से ताजिर कारोबार से महरूम हो जाएंगे और आपकी बहू अब भी दावे कर रही है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? हैं? कारा जहसार के जमींदार ने हांडी बाजार से तिजारत खत्म कर दी है। न सिर्फ चाबदार कबीला बल्कि तमाम तुर्क कबाइल आपके बेटे की वजह से अपना जरिया माश खो चुके हैं। जिस दिन वो यहाँ आया था उस दिन पर लानत भेजती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्थुरुल, अब क्या करोगे? इसको ही मार के लिए तुम अब क्या कारा जहसार की दीवारों से सर टकराओगे? भाई, क्या सोचा है, क्या करोगे अब? इधर उधर की बातें करके, लुटेरों के सरदार तक पहुंचने का दावा करके, क्या हसीन और जिन्नात को मुरीद इल्जाम ठहरा कर तुम क्या समझते हो खुद को बचा लोगे? शैतान और जिन इंसान के अंदर मौजूद होता है उराल साहब, खासकर उनके जिनके जमीर लालच की वजह से स्याह हो चुके हैं। और वो लालची इंसान कौन है ये जानते हैं सब लोग। पहेलियों में बातें मना है, खुलकर बयान करें। कालीन ले जाने वाले काफले को चलाने वाला, जंगजुओं को शहीद करने वाला, कारा कानकुलोस और फ्रांसिस्को को हम पर मुसल्लत करने वाला एक ही शख्स है। तो मेरा मकसद उसे ही ढूंढना है, उसकी हर एक सांस उसके हलफ में गिराह बनती जाएगी, उसका उठने वाला हर कदम उसके अंजाम को भयानक बना देगा। वो बदबख्त कौन है हमें भी तो पता चले। सामने खड़े अपने जंगजुओं के पीछे छुपकर और इल्जाम तराशी करके कोई सरदार नहीं बन जाता। ऐसा करने वाला मर्द कहलाने के लायक नहीं होता अर्थुरुल। अर्थुरुल भाई, कुरान भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाए
थोड़ा
सब हमारे साथ आपके लालच और ना खत्म होने वाले गुस्से की वजह से हुआ है। सराय के बाहर जो लुटेरा लटका हुआ है उसे अब नहीं भेजा था ना भाई। क्या कहा तुमने? अर्तुरुल भाई को अगर शक ना होता तो वो ये इल्जाम ना लगाते भाई। क्या तुम अब भी उसकी बातों पे यकीन करोगे? हाँ शर्मानी चाहिए तुम्हें डूब मरो शर्म से। मुरान खुद को काबू में रखिए। आप गुस्सा निहाल नहीं है भाई। बताए आपने भी सोचा था? चले जा मेरी आंखों के सामने से। आज यार दफा हो जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी नजरें आंख पर लगी हुई हैं भाई। अगर ये सब करके आपने बाबा और कबीर की इज्जत को दावदार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन बहुत हो गया, तमीज से बात करो, तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये खून कैसा है सरदार? अर्तुरुल उसका किया जा रहा है ये सब चौपन। अपने सिपाहियों की मौजूदगी में उसने हमला किया मुझ पर। अरे अरे ये अच्छा नहीं किया तुमने अर्तुरुल। हर बात जानता है वो चौपन, हर बात, लेकिन सबूत नहीं उसके पास। कभी कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उसे रोकने में कामयाब न हुआ। वक्त आ गया है अपनी ताकत इस्तेमाल करने का। बहुत सबर कर लिया हमने। चौपन तुम तैयारी करो जाकर, आज रात हमें जमींदार से मिलना है। और आज इस लड़ाई को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेगा भाई। अपने मालिक को, अपने बहन भाई को आपके खिलाफ उकसाएगा। कमजोर पड़ गया। सुल्तान ने बदमनी से बाज रहने की तल्कीन की है। अगर दोनों कबाइल में टकराव हो गया और बाजंतीनी भी हमला कर देते हैं तो बिखर जाएगा सब कुछ। जो होना था हो गया भाई। ये वक्त उस नए मसले को हल करने का है। कर जैसा अकेले का मसला। मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं जाना चाहती हो चौपान, लेकिन जहाज मिलाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। वो बाजार अर्तुरुल से छीनने का यही आखिरी हलवा है मेरे पास। उस बेईमान जमींदार को कैसे शीशे में उतारेंगे आप? उसे वो देखकर जो बचाता है पूरी जिंदगी यूं ही गुजार देती। मेरे बाबा को उन दो गद्दारों ने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया था। हर गुजरता दिन उनके लिए मेरी नफरत को बढ़ाता और इंतकाम की आग को हवा देता है। आप मेरे बाबा का इंतकाम लेना चाहते हैं ना उनसे? और अगर ऐसा है तो मैं अपने बाबा एक बार फिर उनके दरमियान बैठूंगी और उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता साहब। जब सही वक्त आएगा तो मैं ही उस सरजमीन का अजीम हाकिम बनूंगा और फिर मैं तुम्हारे बाबा के कत्ल का उनसे इंतकाम लूंगा। चौपान तुम देख लेना। मुझे पूरा यकीन है आप पर मेरे सरताज। हाली बाजार को फतह करके
अनुप के तजारती रास्ते काटती है। किले का अनाज हानली बाजार से ही मुहैया किया जाता था। जाहिर तौर पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत में तिजारत खत्म करने की कोई वजह नहीं थी। निकिया नामी शहर से उन्होंने अनाज फराहम करने की दरख्वास्त भी की। बजाहिर वो जमींदार सिर्फ मुझे किले बुलाना चाहता है। एक तरफ कोपेक, दूसरी तरफ उराली, और अब ये जमींदार भी। ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। इंशाल्लाह इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचा देंगे भाई। इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये सब हमारे खिलाफ मुत्तहिद होने में कामयाब हो गए तो हमारी हम इंतजार में नहीं बैठ सकते। ये जानना जरूरी है कि जमींदार क्या चाहता है, और इसके लिए हमें हर सूरत किले जाना होगा। वक्त के साथ साथ हमारे जंगी महाजों में इजाफा होता जा रहा है। बाजार के मामलात आज से आप संभालेंगे आर्थिक भाई। दुंदार, बंसी, जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता हम रहेगा। आर्थिक भाई, ताजरों के जेरे इस्तेमाल रास्तों की निशानदेही पहले से कर देंगे। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन रास्तों के सिपहसालार तुम होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आप कहें भाई। तुर्गुत जी भाई, दुआ, तुम दोनों कल मेरे साथ का रजसार के किले चलोगे। जो आप कहो। किले में क्या करेंगे भाई? असल बहादुर दिखाएंगे। याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ कारा जैसा का किला फतह करना नहीं है, वहां के वासियों से अपनी रफाकत बढ़ाना भी है। ये लोग आज 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 रात को निकल रहे हैं, वो मुझे पता नहीं। बाजार हमारा पैगाम पहुंच गया। पैगाम अर्तुरुल तक पहुंच चुका है। अर्तुरुल और गिराता हुआ यहां आएगा। सुल्तान अलाउद्दीन वहां मंगोलों से नंबर आजमा है, और अर्तुरुल चावदार कबीले के साथ मुआहिदे में फंसा है, तो वो आपके खिलाफ उठने की जरूरत नहीं कर पाएगा। और सिर्फ वो ही नहीं, उराल हानली बाजार अर्तुरुल से वापस लेने के लिए जान और माल सब कुछ दांव पे लगा देगा। बिल्कुल। वैसे सलीबियों के खेमे से यूज, तुमने बगैर किसी लश्कर के मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब मुझे ये देखना है कि तुम अर्तुरुल का क्या हशर करोगे। अर्तुरुल तुम लोग का हशर करेगा। मैं तुम्हारा वाह करूंगा। आ रहा है कल ताकत दिखाने। तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया जनाब। आपके लिए एक और खुशखबरी है, वो बहुत जल्द यहां होगी। आपकी बेटी हेलेना। मेरी बेटी तो वो अपने बाबा से मिलने आ रही है। ओ, मतलब इसके बाबा जिंदा है और वो उसको बोल रही जिंदा नहीं है। उसके बाद आ रही है। खास एहतमाम होना चाहिए, उसके मनपसंद खाने बनाने होगा। सर सब एक ही है। सब चाल बाज है। हाँ।
आपके शोहर से ये बोल रही है। मैं आज तक हर ठंडी को सहता रहा उसकी, लेकिन कोई भी सरदार जानदार के बेटे पर हाथ नहीं उठा सकता। अर्थुरल को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। उरान भाई, अर्थुरल भाई ने हाथ क्यों उठाया इसकी वजह नहीं बताएंगे आप बाबा को? हाँ, वजह कोई भी हो आलियार, किसी भी सूरत अपने बेटे पर हाथ उठाने की किसी को इजाजत नहीं दे सकता मैं। तुम्हारा भाई उरा, भूलो मत ये बात। ये नहीं समझेगा बाबा, कभी नहीं। इसने कब और किस बात पे हमारा साथ दिया? अब जानते हैं, मैंने हक का साथ दिया है हमेशा। काश के ये बात समझ सकते हैं। ये अकेला उसके साइड है, बाकी सब उसके अगेंस्ट है। इसको कुछ ना होगा, कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में। और इसी पर बस नहीं करते, हमारे हर कदम पर एतराज उठाते हो तुम। आलियार, अर्थुरुल की पैरवी करने से आखिर तुम कब पास आओगे? आप मेरी तस्वीर ना करें बाबा। अर्थुरुल भाई हमारे इत्तेहाद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनके साथ रहके मैंने कभी अपने अजदाद ना रखूंगा कभी। आलियार, अर्थुरुल आहिस्ता आहिस्ता हमारी सरजमीन पर काबिज हो जाएगा। वो पहले ही भाई को भाई के खिलाफ कर चुका है, अभी भी अच्छाई की उम्मीद करते हो तुम उससे? बाबा सही कह रहे हैं, उस बदबख्त ने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया है, यहां तक कि उसने तुम्हें भी ठुकरा दिया। उसे ये सब करने की सजा मिलेगी। पागल हो गए, पागल, दिमाग खराब हो गए इनका। शर्म आनी चाहिए आपको भाई, जिसने बाबा और हमारे कबीले की इज्जत को रोंद डाला उसकी तरफदारी कर रहे हैं आप। हाँ तो तुम लोग पार कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम लोग। परेशान मत हो बेटी, जो जरूरी हुआ वो होकर ही रहेगा। उसने तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाई है उसका हिसाब लूंगा मैं उससे। उसने नहीं पहुंचाई है, समझ नहीं रहे सिचुएशन सच्ची। ज्यादा खराब करने की मजीद इजाजत नहीं दे सकते बाबा। अगर आप इजाजत दें तो आज शाम मैं 4-5 खातून के साथ कले जाना, जमींदार से मुलाकात करके उनसे अपने कर्जों का मामला हल करवाऊंगा और उन्हें कायल करूंगा कि वो अब हमसे बराह रास्त इजाजत किया करें। हम अपनी इतनी बसी इजाजत को अर्थुरुल की हर धर्मी पर कुर्बान नहीं कर सकते बाबा। दुरुस्त कहा तुमने औलाद, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। हमारे लिए इस मसले को जल्दी हल करना जरूरी हो गया है। कुछ ही दिनों में सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह।
जान की हिफाजत के लिए जान को खतरे में डाला। भाई को फख्र है तुम्हारी बहादुरी पर। सरदार के लिए हमारी जान भी कुर्बान है दुर्गुद भाई, बहुत शुक्रिया गुलगुद। हजरत और यान उस्ताद, हमें आपकी हिफाजत के लिए फिलहाल कान के काम को रोकना होगा। दुर्गुद भाई, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि अभी तो हमने सोना निकालना शुरू ही किया था। दुश्मनों की तादाद आपके निकाले हुए सोने से कहीं ज्यादा है। मुट्ठी भर सोना सिपाहियों और आपकी जिंदगी से ज्यादा हम नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, खुदा आप लोगों को हर तरह के खतरे से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। उसको वैसे भी उरल और अर्जुन को भिड़ाना ही है, और ये दोनों खुद ही आ रहे हैं। एकटरीना एंजेलोस, मेरी प्यारी पति जी। चोलपान, मोहतरम जमींदार साहब। मैं चावदार कबीले की बहू हूँ चोलपान। खुशामदी, आपके यहाँ आने की क्या वजह है उरांग साहब? हाँ जी बस। तो ये मसला है, उम्मीद है कि अर्तुल नामी शख्स के चौक का हर ताजिर की तरह मेरा कबीला भी मुतासिर हुआ है, लेकिन एक और मसला भी है जिसकी वजह से मैं आपके पास हाजिर हुआ। अर्तुल ने लगता है कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया आपको और आज साहब। दोस्ती के रास्ते से हर किसी को फायदा उठाना चाहिए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्तुल तो इसमें शामिल नहीं है ना मेरे ख्याल से और आज साहब? इसमें कोई शक नहीं कमांडर वैसिलियस। तो फिर हम रात के खाने पर गुफ्तगू करेंगे, फिलहाल आप दोनों जाकर आराम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें सूटमंद साबित होंगी। उसकी आंखें ही देखो ना। बहुत मुश्किल खड़ी करेगा, ताजिर परेशान हो जाएंगे। जानता हूं बालिका, पहले लुटेरे और अब ये जमींदार, बाजार में हमारी फतह से खुश नहीं है कोई भी, खासकर चावदार कबीला। वो लोग हसन करने लगे हैं अपनी जुबान से। कालीनगाह पर काम जारी रखना होगा, वो मुतासर ना होने पाए। चावदार कबीले से हमारा मुआहदा बरकरार है, तमाम कालीन वक्त पर तैयार होने चाहिए। चावदार कबीला अगर पीछे हटा तो फिर कोई हल ढूंढेंगे इसका। बेफिक्र हो जाओ बेटा, जब तक मैं कालीनगाह में मौजूद हूँ सब कालीन वक्त पर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। जमींदार की फिक्र मत करें, मैं वहां जाकर खुद उसका मसला सुनूंगा। ताजरों को मुतासर नहीं होने दूंगा। उसके इरादे साफ जाहिर है बेटा, वो तुम्हें अपना दुश्मन समझता है। तो क्या इसके बावजूद भी उस जमींदार के पास जाओगे तुम, जिस किले को फतह करने की नियत रखते हैं? उस किले में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। इसके अलावा हल नहीं है, जो जरूरी हुआ करेंगे। आ जाओ बेटी।
मेरी बच्ची, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? थक चुकी हूं अब मैं। क्या हुआ है? कालीन गांव में जिंदगी मुश्किल हो गई है। अलीमा सुल्तान मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि अर्तुरुल साहब को उससे छीनना चाहती हूं मैं। उसने मुझे बेइज्जत किया है बाबा। अब तक उसके शौहर की हर धर्मी बर्दाश्त कर रहे थे और अब हमें हलीमा खातून की जलन को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जलन? अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। रे तुम्हारा तौर तैयार करना है हमें। दोनों नहीं समझ, दोनों पागल हो गए। मैं जानता हूं कि मुझे अपनी दोस्ती का हाथ कैसे और किस वक्त वापस खींचना है। खींचो, मजा आ जाएगा। मुराद और उसकी सोजा मेरे औताक के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेंगे। वो तुम्हारी भाभी के और तुम्हारे भाई उराल के सामने गिड़गिड़ाएंगे, या फिर उनके कबीले के साथ उनका भी नाम और निशान मिट जाएगा। बट एक चीज इतनी अच्छी लगी ना मेरे को, उराल को मारा, वो एक भड़ास थी ना। तो ये तो नहीं, कितने सारे जाल बिछाए अब ये एक और जाल। इधर ये चाचा बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी आ रही है, तो वो अदर एक अदर अलग स्टोरी चल रही है अभी। वो क्या है, वो हर जगह से ना, मतलब इन लोगों को भी नहीं पता एक्चुअली, उसके खुद के शोहर को भी नहीं पता कि ये तो सच्ची का उसका ये है, डैड है। बट इतना सब प्लानिंग सब कुछ बोलते ना, खाली एक ही आदि यार जो थोड़ा लॉजिकली सोच रहा है, जो सही सोच रहा है, बाकी सब गुस्से में है, सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा है एकदम से। बोलते ना अभी इतना, मतलब हर जगह से प्रॉब्लम है, अभी हर जगह से फंसे हुए हैं, हर जगह से इश्यू है, हर जगह से कोई ना कोई चाले चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बोलते ना और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी ये नेक्स्ट प्लानिंग किले को फतह करना है, वही किले में जाना है, जाना है बात करने को, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं चलेगा ना फ्लोर ही रहेगा वो तो, पैसे का तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके ऑफ कोर्स। तो वही सब देखना होगा कि कैसे टैकल करेंगे नेक्स्ट डे जाके, क्या बात होगी उनमें, क्योंकि इन लोग तो अभी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन उन लोगों का प्लान है सामने लगा कि ये लोग आपस में भिड़ा, आपस में भिड़ा दो ताकि सब तुर्कों को पेगा तो कब्जा कर सके, सब तुर्कों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो वो प्लान अभी अर्तुरुल कब समझेगा, उस प्लान को कैसे फेल करेगा वो भी देखना होगा। मतलब इतने सारे दुश्मन, पहले कहां सीजन में एक दो दुश्मन थे, इतने दुश्मन हो गए ना कि क्या बोलूं। जिधर देखो उधर मेरे को लगता है इन लोग ढूंढ रहे ना कि कोई इनके कबीले में चाहिए कावदर में इनको इन्फॉर्मेशन दे, मेरे को लगता है आगे ही बन जाएगा, बन सकता है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि वो हर चीज से ठीक है, लॉजिकली तो वो गलत, उसको पता है सामने जो कर रहा है वो सही कर रहे, गलत नहीं कर रहे, उसको पता है कमाई कर रहा है ना, वो ईगो आ रहा है ना बीच में, ईगो गलत लालच, बेटी का भी उसने टुकड़ा दिया वो गुस्से में एक तो अभी हां, पर इतनी अच्छी लगती थी और छीन लगती है हां, गुस्से में होते ना वो तो ना ब्यूटी छीन गई उसकी, ऐसा लग रहा है वो पहले जो मासूम थी ना उसमें वो चली गई सारी गुस्से में, अभी नहीं चलो देखना होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।